भाजपा डर की राजनीति करती है और उनको चाहने वाले लोग भी करवाते रहते हैं। तो अगर क्या आपको लग रहा है इस तरीके से रफ्तार जैसे हर राज्य में बढ़ रहा है तो फिर से एक बार लॉकडाउन भी एक नौबत आएगा? नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है। जब मंजिल करीब थी तब पांव फिसल गया। जब देश में, अब पुरानी बात मैं कहूंगा तो आपके ये गड़ा मुर्दा उखाड़ रहा, जब देश में कोरोना ने पहला दस्तक दिया तो तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति आने को थे और हमारे प्रधानमंत्री मेजबानी करने को थे और नमस्ते ट्रंप भी हुआ और 100 करोड़ से ज्यादा खर्च भी हुआ और 100 करोड़ से ज्यादा देशवासी जो है कोरोना के चक्कर में फंस भी गए। तो उस समय, उसके बाद जब आदरणीय राहुल जी ने कहा कि देखिए अभी प्लेन रोकिए, अंतरराष्ट्रीय प्लेन रोकिए, ध्यान दीजिए कोरोना गंभीर है, तब तो कहा ना ना कुछ नहीं है। और फिर जब आ गया तो अचानक जो है लॉकडाउन। तो अभी कोई ऐसी स्थिति परिस्थितियां नहीं है कि हमको लॉकडाउन करने की आवश्यकता है। सरकार गंभीर है। जब सेकंड डेल्टा वायरेंट आया था उसमें भी हम लोग न डरे थे, न थके थे, न हारे थे। मजबूती के साथ अपने राज्य की जनता के सुख सुरक्षा का ख्याल रखा। कोई किसी को भयभीत होने की नहीं जरूरत है। जैसे ही समय आएगा हम लोग पूरा ध्यान केंद्रित किए हैं, SOP भी बनेगी और इसके लड़ने के लिए हम पूरी रणनीति के साथ तैयार भी हैं। आपके पास उतना वेंटिलेटर पर्याप्त है? वेंटिलेटर है के बाद पांडे जी पूछ रहे हैं। जब कुछ नहीं था तब एक RT-PCR नहीं था तब लड़े लिए, आज तो 27 RT-PCR, आज 120 PSA प्लांट हमारे पास, 4,447 जो है हमारे पास अभी ICU बेड, 20,000 से ज्यादा बेड हमारे पास अभी, कोवास 6800 जीनोम सिक्वेंसिंग की मशीन। अब कहाँ पांडे जी, जब कमजोरी था तब तो हम लोग बाजी जीत लिया, अब कौन चीज है? मन्ना जी हाल में आपने केंद्र से मदद भी मांगी थी, उस सारी चीजों पर हमने जो है, जो हमको मेरे मन की भावना थी उससे हमने सरकार को अवगत करा दिया। अच्छा, सीपी सिंह आपसे बहुत नाराज है, कलावर हम बोल रहे कि हमारा नाम लेके बन्ना जी जो है। अरे सीपी सिंह बड़ा भाई है जी मेरा, वो काहे नाराज हो, वो हम लोग चलते रहता है, बड़े अच्छे आदमी है, आदरणीय है, आदरणीय है। अरे वो भी बड़ा भाई है जी, बिग ब्रदर चाचा है, सरयूरा सरयूरा आदरणीय चाचा है हमारे। अब हम कमजोर बेकोर आदमी हम क्या फरियाने पाएंगे, उसे मजबूत लोग हैं, बड़े लोग, ताकतवर लोग हैं और बाहुबली लोग हैं, हम कमजोर लोग हैं। नहीं नहीं, अब कोरोना आ गया है, आसपास आज का एक दिन, कोई नहीं कोरोना वोरोना से कोई। देखिए डर से तब तक डरना चाहिए जब तक डर आए नहीं, जब आएगा तो डट के मुकाबला करेंगे। कई लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि जिसने 3 बार डोज ले लिया है उनका या तो ब्लड क्लॉट हो रहा है या हार्ट अटैक आ रहा है, तो क्या स्वास्थ्य विभाग इसकी भी जांच करा रहा है? ये तो देखिए, ये तो निश्चित है कि कोरोना के बाद इसके कई क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रियाएं तो हुई हैं। आप ब्लैक फंगस भी हुआ है, लोग जो है हृदयघात के रोग से भी पीड़ित हुए हैं, तो ये तो निश्चित है कि कोरोना के बाद के कई इफेक्ट है। अब उसके मूल कारण क्या है ये तो ICMR को जांच करना चाहिए। ये चूंकि ICMR हमारा देश का सबसे बड़ा संस्थान है, वो जांच करे कि भाई जो टीके लगे हैं वो टीकों का दुष्परिणाम है या ये कोविड का जो वेल्टा आया था वेरिएंट उसका है या और भी जो वेरिएंट आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उसके तो दुष्परिणाम थोड़े हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने बोले कि लैब देश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।